हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये 2020 में आयोजित की परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है, उपन्यास है। यह उपन्यास पांडे बिचन शर्मा उगर जी द्वारा लिखा गया था और इसे 1927 में लिखा गया था। इस उपन्यास में उगर जी ने हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके द्वारा रचा गया है और ये किसके जीवन वृत्त पर आधारित है? तो दोस्तों, मानस का हंस अमृतलाल नागर जी द्वारा रचा गया है और यह तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित है और इसे 1972 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुल बकरिया किस विधा पर रचित है? तो दोस्तों, यह रेखाचित्र है और इसे निराला जी ने रचा है। इसकी रचना इसे रेखाचित्र और उपन्यास दोनों विधा के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रांगे राघव कृत कब तक पुकारूं उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों, यह नट और नटिन के जीवन पर आधारित है और इसे 1957 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अनामदास का पौथा की कथा किस उपनिषद से ली गई है? तो दोस्तों, ये छांदोग्य एवं बृहदारण्यक से ली गई है। इस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचा गया है और यह औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। इसकी रचना 1976 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा की कथा किस उपनिषद से ली गई है? तो इसका सही जवाब है, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक से। इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया है। इसकी रचना 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा में किस युग की सांस्कृतिक दशा का चित्रण किया गया है? तो इसमें हर्षकालीन युग की सांस्कृतिक दशा का चित्रण किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास को 1946 में लिखा और इस रचना का विषय प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के आधार पर बाणभट्ट, निपुणिका और न्यूनिया के पात्र के बारे में दर्शाया है। अगला प्रश्न है, ननुक सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही जवाब है, गुंडा कहानी का, और ये प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो कि चेन्नई में है, इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की विषय वस्तु क्या है? इस नाटक को 1951 में जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था और इस उपन्यास का आधार गरीब शिल्पी का संघर्ष, सृजनात्मकता और विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस किस कृति पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है, अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद पर आधारित है। मोहन राकेश जी के द्वारा 1963 में इस नाटक को लिखा गया था और श्यामंग, आनंद, अलका आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन जिसे 1958 में लिखा गया था, आधे अधूरे जिसे 1969 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन जी हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा और निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है, T.S. Eliot। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका जवाब है, अस्तित्ववाद।
अज्ञेय जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अज्ञेय जी के द्वारा इस उपन्यास को 1961 में प्रकाशित करवाया गया था और इस उपन्यास का आधार विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। शेखर एक जीवनी जिसे 1940 से 1944 और नदी के द्वीप 1951 में लिखे गए हैं, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के सूत्रधार कौन थे? तो पंडित जगन्नाथ जी इस सूत्र के सूत्रधारक थे। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलम्बनप्त धर्म का होता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता अमृत राय जी हैं और इसे 1962 में लिखा गया है। अमृत राय जी मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे। अगला प्रश्न है, अवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो दोस्तों अवारा मसीहा शरदचंद्र जी के जीवन पर आधारित जीवनी है और अवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा 1974 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो दोस्तों एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है और इसे अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया है। अज्ञेय जी का अन्य यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद है, जिसे उन्होंने 1953 में रचा था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस उपनाम से मैथिली में कविताएं लिखते थे? तो दोस्तों नागार्जुन यात्री उपनाम से मैथिली में कविता लिखते थे। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पतराई आँखें 1962। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मधभरे सेत श्याम रत्नाक किसकी काव्य पंक्ति है? तो दोस्तों इस काव्य पंक्ति के रचनाकार रसलीन जी हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी को फंतासी के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? तो इसे मुक्तिबोध जी के द्वारा फंतासी में व्याख्यायित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, देव और बिहारी। तो दोस्तों इसमें बिहारी जी के द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे, बाकी मतीराम, पद्माकर और देव जी के द्वारा लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है। अगला प्रश्न है, विशेष से विषमौषधम का नाट्य रूप क्या है? तो दोस्तों यह इसका नाट्य रूप बहाण है और इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, टवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों टवर का उच्चारण स्थान मुर्दा है। अगला प्रश्न है, मौसम कौन कुटिल खलकामी किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो दोस्तों यह सूरदास जी की पंक्ति है। तो दोस्तों प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को गलत दर्शाया गया था और वहाँ पर इसका उत्तर तुलसीदास जी दिया गया था। तो दोस्तों तुलसीदास जी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सूरदास जी होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि का नाम सिद्धों और नाथों दोनों में लिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कन्हप्पा, डोंबीपा, सरहपाद या जलंधरनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जलंधरनाथ। जलंधरनाथ का नाम सिद्धों और नाथों दोनों में लिया जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, जलंधर, चरपट, मल्लार्जुन और गोरक्षनाथ, यह नवनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका जिक्र किया जाता है। नागार्जुन, चरपट और जलंधरनाथ सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों पुष्टिमार्ग का प्रवर्तक बल्वाचार्य जी को माना जाता है। बल्वाचार्य जी का समय 1478 से 1530 तक माना जाता है और इनका जन्म स्थान चंपारण है। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। इनका संप्रदाय रुद्र है और दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंध रखती है। अगला पॉइंट है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ी के अन्य उपनाम है खलताही और लरिया। हमारा अगला प्रश्न है मंडियाली बोली भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखती है। तो दोस्तों मंडियाली बोली भारत की हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है दिनकर जी को संस्कृति के चार अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में मिला था। दिनकर जी को 1972 उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो दोस्तों नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है करुण रस का स्थाई भाव क्या है। तो दोस्तों करुण रस का स्थाई भाव शोक है। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न है कानों में कंगना कहानी किसके कृति है। तो दोस्तों कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद जी की कृति है। अगला प्रश्न है भाषा योग विशिष्ट पुस्तक की क्या विशेषता है। तो दोस्तों यह परिमार्जिक ग्रंथ की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है किस उपन्यास की आधार वस्तु मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण करती है। तो दोस्तों मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है रिक्शा मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब है जापानी शब्द। झम्फान भी जापानी शब्द का शब्द है और चाय और लीची चीनी शब्द हैं। अगला प्रश्न है शिया मुसलमानों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों शिया मुसलमानों के जीवन पर आधारित उपन्यास आधा गाम है। आधा गाम 1966 में राजा राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया था और इसमें गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव के सैयद और शिया मुसलमानों की कथा वर्णित की गई है। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन 75, कटरा भी आरजू आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है माली आवत देखी के कलियन करी पुकार फूले फूले चुनु लिए काला हमारी बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इस पंक्ति में अनियोक्ति अलंकार, किसी और पर ढालकर कही जाए वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इन पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कृष्णावली कृष्ण गीतावली में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो दोस्तों तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश में गद्य की एकमात्र पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों अपभ्रंश में गद्य की एकमात्र पुस्तक का नाम भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा को धनपाल जी के द्वारा दसवीं शती में रचा गया था। धनपाल वाक्यपति राजमुंज के कवि और सवार रत्न थे जिन्हें मुंज के द्वारा सरस्वती की उपाधि दी गई थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल जी ही हैं। पहले शुंभु हैं, दूसरे पुष्पदंत हैं और तीसरे धनपाल जी हैं। अगला प्रश्न है देसील बैना सबजन मीठा तें तैसन जपियो अभट्ठा किसकी उक्ति है। तो दोस्तों ये उक्ति विद्यापति जी की है। विद्यापति जी का समय 1350 से 1450 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यापति जी का संबंध बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिस्वी गांव से था। अगला प्रश्न है अधहमान अर्थात अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। अब्दुल रहमान का समय 12वीं शती माना जाता है। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा क्या है। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। चंडीचित नामक इनका काव्य ब्रजभाषा में बहुत ही प्रचलित है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ।
तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के शौरसैनी रूप से हुआ था। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी, बांगड़ू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न है, आलाखंड किस राशोग्रंथ का काव्यांश है? तो दोस्तों आलाखंड परमाल रासो का काव्यांश है और इसे जगनी जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? तो दोस्तों इसमें 69 समय या सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कुशल लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, तिरुपबाई किसकी कृति है? तो दोस्तों तिरुपबाई आंडाल की कृति है और ये दक्षिण के प्रमुख संत थे और ये महिला संत थे। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों ये भूषण जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो दोस्तों विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसकी डायरी से उद्धृत है? तो दोस्तों यह कथन भारतेंदु जी की डायरी कालचक्र से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, आगे की कवि रिझी तो कविताई ना तो राधिका कहनाई सुमिरन को बहाने हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार भिखारीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, 100 अजान 1 सुजान किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास को बालकृष्ण भट्ट ने 1892 में लिखा था। इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास, लाला श्रीनिवास दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति का नाट्य रूप क्या है? तो इसका नाट्य रूप प्रहसन है, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने इंदू पत्रिका का। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे जी ने। तो दोस्तों अब हम इस प्रश्न पत्र के जीके वाले सेक्शन में चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुंठ नामक जड़ी बूटी की पैदावार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? तो यह लाहौल स्पीति जिले में होती है। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत श्री जेपी नड्डा जी ने किस ग्राम या पंचायत को अपनाया है? तो उस ग्राम पंचायत का नाम है डेहर या सुंदरनगर, अर्थात यह डेहर के सुंदरनगर में पड़ती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किन कक्षाओं के चुनिंदा छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है? तो दोस्तों यह +1 और +2 के छात्रों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में सीमांत ज्योतों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हिमाचल में 69.78% प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना प्रदेश के किन 2 जिलों में चल रही है? तो यह चंबा और कांगड़ा में चल रही है। अगला प्रश्न है, 1960 में पंजाब की नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह कराची पाकिस्तान में किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का अमर उजाला द्वारा दिया गया आकाशदीप पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह नामवर सिंह जी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, अजय ठाकुर जिन्हें 2019 के गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सोलन जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों यह नालागढ़ से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गीत ठंडी ठंडी हवा चल दी चिलांदे डाला जिला कांगड़ा दा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस गीत के रचयिता प्रताप चंद्र शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम था? तो इसका सही जवाब है किन्नौर। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित रेणुका जी बांध से उपलब्ध कुल पानी के वितरण में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा लगभग कितना होगा?
तो यह होगा 3%। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की सेवा में निरंतर किस संस्था की टैगलाइन है? यह है भारतीय रेल की टैगलाइन। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन स्कीम के अंतर्गत आयु वर्ग के श्रमिक पात्र होंगे? तो ये होंगे 18 से 40 वर्ष के श्रमिक। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के किस वर्ष के आसपास करतारपुर साहिब की स्थापना की थी? तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी के द्वारा 1922 में करतारपुर साहिब की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, यह रियो में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, चीन की मुद्रा रेनमिनवी या युआन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस वीडियो का यहाँ पर समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, धन्यवाद।